चलिए प्यारे छात्रों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 12th की। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो उत्प्रेरक के सिद्धांत पढ़ रहे थे कि दो तरह के सिद्धांत होते हैं, एक है मध्यवर्ती बनने की यौगिक बनने के सिद्धांत और एक है अधिशोषण के सिद्धांत। तो चलिए दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। टॉपिक दिया जाए मध्यवर्ती बन यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत। उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे श्यमांग उत्प्रेरण में, श्यमांग उत्प्रेरण में उत्प्रेरक किसी अभिकारक के साथ संयोग करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। यह मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, पूर्ण विराम, यह मध्यवर्ती यौगिक काफी क्रियाशील होता है, जो 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 दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है, दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है। और उत्प्रेरक अपनी पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है, उत्प्रेरक अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। यह प्रक्रिया मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत कहलाता है, मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत कहलाता है। चलिए अब जरा समझते हैं कि मध्यवर्ती यौगिक क्या होता है। अब मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका क्या रूल नियम होता है। आखिर कोई भी अभिकारक से प्रतिफल छात्रों आप बनते हुए देखते होंगे, कोई भी अभिक्रिया में वो डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लिया एक्स और वाई एक अभिकारक है, ये क्या है, तो एक अभिकारक है, अब ये बन रहा है और रिजल्ट दे रहा है कुछ और। जैसे मान लिया कि एक्स और वाई रिएक्शन करके हमें दे रहा है सपोज दैट एक्स वाई, और जब एक्स वाई हमें दे रहा है हम इसको बोलेंगे क्या कि ये मेरा क्या है, प्रतिफल है, राइट। एक और चीज आप गौर कीजिए कि क्या यहां पे कोई उत्प्रेरण है, नहीं है। ध्यान रहे छात्रों, अगर कोई उत्प्रेरक कोई भी अभिक्रिया में रहेगा तो ये फाइनली है कि मध्यवर्ती यौगिक बनेगा ही बनेगा, जैसा दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि यहां पे एक उत्प्रेरक लिया गया है सी, उत्प्रेरण भी बोल सकते हो उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। यहां क्या लिया गया उत्प्रेरक, एक नाम है सी। तो जरा अब ये उत्प्रेरक जब आ गया तब अभिकारक से प्रतिफल बनने की जो चरण होती है ना वो बदल गई। पहला चरण क्या हुआ, तो चरण वन अभिक्रिया में कैसे हुआ जरा वो समझिए। चरण वन जो अभिक्रिया है, डायरेक्ट एक्स जो है यानी कि अभिकारक में जितना भी अणु रहेगा, एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पहले वाला जो है
उत्प्रेरक के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि x प्लस सी के साथ मिलकर बनाएगा एक्स सी, राइट। अब ये जो काम करेगा दूसरे वाले के साथ, जैसे चरण टू, चरण टू अभिक्रिया कैसे होगा, तो अब जो मेरा इसका चरण वन से जो प्रतिफल मिला है, अब ये पुनः किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिकारक में जो दूसरा है, तो अब ये कैसा बनाएगा, तो अब ये जो रिएक्ट करके बनाएगा एक्स वाई प्लस सी, और इस तरीके से जो सी है अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, इसी को बोला जाता है पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था का मतलब ये अलग हो जाता है, सी उत्प्रेरक अपने स्थान पे चला जाता है, सिवाय हम ये बोल सकते हैं कि अब की बार में क्या हुआ, चरण तीन में, चरण थर्ड, अब एक्स वाई प्लस सी, चूंकि सी अपने चरण में अपने स्थान पे वापस आ गया, तो अब क्या बच रहा है, एक्स वाई। प्यारे छात्रों, यही आपका मेन प्रतिफल है। आप देख पा रहे हैं यहां से क्लियर कि अगर कोई भी उत्प्रेरण वाला अभिक्रिया होती है वो तीन चरणों में पूरी होती है, जो कि ये बीच वाला जो चरण है ना, यही कहलाता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, मध्य का मतलब बीच में, तो मध्यवर्ती यौगिक बनने का सिद्धांत यही कहलाता है। जरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और हम लोग क्लियर कर सके इस चीज को। नंबर एग्जाम्पल टू, जैसे अगर ये रहता है ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड ये अभिकारक है, यहां बनता एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसका चरण वन लिखते, चरण टू लिखते, चरण थ्री लिखते, जितना भी चरण हो सकता है, पहला चरण अभिकारक का पहला वाला अणु उत्प्रेरक के साथ, तो क्या बनेगा, एक्स प्लस सी, क्या बनेगा, एक्स सी। अब ये एक्स सी पुनः वाई से अभिक्रिया करेगा, तो एक्स सी प्लस वाई क्या बनाएगा, एक्स वाई प्लस सी। अब एक्स वाई प्लस सी को फिर से करेंगे किसके साथ, जेड के साथ, तो अब की बार क्या बनाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस सी। तो इस तरीके से अपने चरण में वापस आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस सी को अभिक्रिया कराएंगे तो सी अपने स्थान पे चला जाएगा, तो एक्स वाई जेड। यहां पे मध्यवर्ती दो चरण में बनेगा, यानी कि एक एक्स वाई प्लस सी, एक एक्स वाई जेड प्लस सी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अभिक्रिया बीच में होगी उसी को बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। तो इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत। अगला है, नेक्स्ट टॉपिक देंगे अधिशोषण के सिद्धांत। चूंकि उत्प्रेरण के ये दो इंपोर्टेंट सिद्धांत थे, एक था मध्यवर्ती यौगिक बनने का सिद्धांत और एक है अधिशोषण के सिद्धांत, तो मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत को हम लोग अभी देखें। अब हम लोग पढ़ते हैं अधिशोषण के सिद्धांत, जो कि दूसरा था, टॉपिक देंगे अधिशोषण के सिद्धांत। इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे इसके नीचे एरो देकर अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार, अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार, अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार लिखने के बाद कॉमा, अब अधिशोषण के अनुसार कौन कौन सी बात है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अधिशोषण सिद्धांत में कौन कौन से बात को फॉलो करते हैं, तो अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार कॉमा देके फिर नीचे से लिखेंगे, पहला अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के सतह पर चिपक जाते हैं, अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के सतह पर चिपक जाते हैं। दूसरा, जब विभिन्न अणु अगल बगल से अधिशोषित हो जाते हैं, जब विभिन्न अणु अगल बगल से अधिशोषित हो जाते हैं
तब वे परस्पर संयोग करके एक अस्थाई मध्यवर्ती योग एक अस्थाई मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाते हैं। बताते हैं क्या है, एक अस्थाई मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाते हैं। और तीसरा लिखेंगे, अधिशोषण के कारण उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है, अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है, जिससे जिससे अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। चलिए, तो अधिशोषण सिद्धांत में कौन कौन से बात को फॉलो करेंगे, तो अधिशोषण सिद्धांत में हम लोग तीन इंपोर्टेंट बात को सीखे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन ये बोला गया कि जब भी अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, अधिशोषण की क्रिया होती है। प्यारे छात्रों, अधिशोषण का मतलब क्या, सतह पर चिपकने की क्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक में जो भी अणु होंगे जैसे ही कैटालिस्ट उत्प्रेरक के कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, यू बोले तो उसके सतह पर चिपक जाते हैं। यही तो कारण है कि जब प्रतिफल बनते वक्त वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो पहला यही लिखना है, अगर पूछेगा कि अधिशोषण के सिद्धांतों को लिखे, तो पहला ये कि अभिकारक उत्प्रेरक के साथ संपर्क में आते ही उसके सतह पर चिपक जाते हैं, अभिकारक के अणु के सतह पर चिपक जाते हैं। दूसरा में लिखे कि जब विभिन्न अणु अगल बगल से अधिशोषित हो जाते हैं, देखिए विभिन्न अणु का मतलब क्या, अभी हम लोग अभिक्रिया देखे ना, एक्स प्लस वाई सी उत्प्रेरक था एक्स वाई, तो हम लोग क्या लिखे पहले पहले चरण में एक्स प्लस सी कॉन्टेक्ट हो गया एक्स सी, है ना, यानी कि एक्स सी पर चिपका तो एक्स सी। अब यही एक्स सी अगल बगल का मतलब क्या है, ये जो उत्प्रेरक है बारी बारी से अभिकारक के साथ अगर कांटेक्ट में आएगा तो जो चीजें बनना शुरू होगा वो मध्यवर्ती जटिल यौगिक कहलाएगा। अभी तो पढ़े ना मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती कैसे बनता है, जब अगल बगल वाले पहला बार तो उत्प्रेरक उसके पास चिपक गया, उसके बाद जो अभिक्रिया होंगी दूसरे अणु के साथ, यार बोले अगल बगल के साथ, यानी वाई रहता तो वाई के साथ, जेड रहता तो जेड के साथ, वो सभी क्या कहलाते हैं, मध्यवर्ती जटिल यौगिक कहलाते हैं। यानी कि याद रखिएगा, मध्यवर्ती जटिल यौगिक अभिकारक के और भी अणु जो अगल बगल के उसके साथ अधिशोषण की क्रिया करते हैं, उसके सतह पर चिपकते हैं, वो मध्यवर्ती जटिल यौगिक कहलाता है। और फिर लास्ट में हम लोग थर्ड में लिखे हैं कि उत्प्रेरक के अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर ये कोई भी उत्प्रेरक लेते हैं ना तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ये हम लोग पहले भी सीखे हैं। क्यों यार, क्योंकि जब अब उत्प्रेरक लेंगे तो अब प्रतिफल जल्दी बनेगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इसीलिए ना उत्प्रेरक का काम क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना। तो इस तरीके से हम लोग अधिशोषण के सिद्धांत को अभी पढ़ रहे थे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रियाशील केंद्र के बारे में। क्रियाशील केंद्र टॉपिक लेंगे, क्रियाशील केंद्र क्या है, ये थ्योरी में कोई, ये चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो लिखेंगे इसमें क्रियाशील केंद्र, क्रियाशील केंद्र क्या है, एरो देंगे इसमें, लिखा जाए उत्प्रेरक की चोटी कॉमा किनारे या टूटे हुए स्थानों पर मुक्त बंधन अधिक संख्या में विद्यमान रहते हैं,
इन्हीं स्थानों पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण सबसे अधिक होता है। अभिकारक अणुओं का अधिशोषण अधिक होता है। ये स्थान उत्प्रेरक के क्रियाशील केंद्र कहलाता है। जी, अब चलिए क्रियाशील केंद्र को समझते हैं कि आखिर क्रियाशील केंद्र होता क्या है। प्यारे छात्रों, जैसे कि हम लोग उत्प्रेरक के बारे में पढ़ रहे थे कि उत्प्रेरक की ये विशेषता है कि अगर उसको टुकड़े टुकड़े यानी कि चूर्ण करके अगर हम लोग अभिकारक के साथ उसको कांटेक्ट में लाएंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है। वो ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है। कब? जब उसको टुकड़ा टुकड़ा चूर्ण की अवस्था में करते हैं उत्प्रेरक को, तब। चलिए वही चीज हम लोग यहाँ पे आइए सीखते हैं जिसका नाम है क्रियाशील केंद्र। क्रियाशील केंद्र के एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक निकेल है, वो एक ठोस के रूप में है। प्यारे छात्रों, ठोस के रूप का मतलब ये है कि यहां निकेल का एटम है और इस निकेल के एटम को Ni का मतलब होता है निकेल। यहां पे निकेल का एटम है और ये आपस में सभी बंधे हुए हैं, मतलब बॉन्डेड है। यहां पे ये सब क्या है? तो बॉन्डिंग है। और इसका मतलब ये हुआ कि और भी निकेल इधर से जुड़ सकते हैं। ये जो बाकी इधर ये वाला एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है कि ऐसा ही निकेल और भी चारों तरफ से जुड़ते जा सकते हैं कितना भी, राइट? और ये इसका मतलब हुआ कि निकेल निकेल के बीच और कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि वो लोग बिल्कुल बंधा हुआ है एक बॉन्ड में। लेकिन इसका मतलब हुआ कि और भी जुड़ सकता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल ये हुआ। अब जरा हम एक और देखते हैं। इसी निकेल यानी कि ये जो निकेल है ना, एक ठोस रूप में है। क्यों? क्योंकि निकेल और निकेल आजू बाजू में सबसे क्या है? कॉन्टेक्ट में है, बॉन्डेड बनाया हुआ है। लेकिन इसी को हम लोग तोड़ के देखते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे? निकेल निकेल निकेल। अब जरा इसको तोड़ते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर क्यों हमें उत्प्रेरक को चूर्ण करने पर ज्यादा लाभदायक होता है। अब जब हम इसको तोड़ दिए हैं प्यारे छात्रों, तो इधर भी टूट गया यानी कि बॉन्डेड हो गया ऐसे ऐसे, देखिए। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिए। अभी ये निकेल मेरा ठोस में था। क्यों? क्योंकि सभी निकेल आसपास से बॉन्डेड थे, लेकिन जब इसको चूर्ण चूर्ण कर दिया गया तो एक निकेल, दूसरा निकेल, तीसरा निकेल ऐसे टूट गया है। फिलहाल अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ने, यानी कि हम अभी फिलहाल इसमें नए नए एग्जाम्पल लिए हैं। यहां पे भी 9 निकेल का, यहां पे भी 9 निकेल का। अब जरा आप समझिए कि इसमें से हमें क्रियाशील केंद्र ज्ञात करना है कि कितने इसमें क्रियाशील केंद्र ज्ञात होंगे, राइट? अब क्रियाशील केंद्र ज्ञात करने के लिए जरा आपको यह मालूम करना पड़ेगा कि उत्प्रेरक का बॉन्डिंग किस तरीके से है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ठोस अवस्था में है और यही निकेल को हम चूर्ण की अवस्था में कर दिए हैं। तो अगर हमें यहां पे क्रियाशील केंद्र अगर पूछेगा कि क्रियाशील केंद्र कितना होगा, क्रियाशील केंद्र इस स्थिति में, तो क्रियाशील केंद्र का मतलब और कितना सिचुएशन में और निकेल जुड़ सकता है। तो एक सिचुएशन ये है, इधर से जुड़ सकता है, एक इधर से जुड़ सकता है, एक इधर से जुड़ सकता है, 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 और तो कहीं से नहीं जुड़ सकता है। आप देख पा रहे होंगे, सबको काउंट कर लेंगे तो कहां कहां से निकेल जुट सकता है, वही एक उसका सेंटर कहलाता है। तो एक
दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यानी कि इस सिचुएशन में क्रियाशील केंद्र कितने हो जाएंगे, टोटली 12 हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे इस सिचुएशन में जो क्रियाशील केंद्र होगा वो 12 होगा, राइट। चलिए तो अब इसमें क्रियाशील केंद्र की संख्या कितनी हो गई, 12। अब इसमें अगर देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि इसको हम लोग जैसे ही ब्रेक करेंगे, जैसे इस निकल को तोड़ेंगे तो एक बार यहां तोड़ सकते हैं, एक बार यहां तोड़ सकते हैं, बाकी ये निकल तो ऐसा ही जुड़ा रहेगा ना, यानी कि नीचे वाला ये निकल एक निकल के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बीच में अब कोई नहीं आ सकता, इस निकल के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको जब तोड़ना है तो आप यहां से ब्रेक कर सकते हैं, यहां से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर इधर से ब्रेक कर सकते हैं, आपको जिधर से मन है उधर से ब्रेक कीजिए। हम यहां पे ब्रेक कर दिए हैं तो यहां पे टूट गया है निकल, इसलिए यहां पे भी बॉन्ड, यहां पे भी बॉन्ड, यानी कि इसका मतलब है कि यहां पे भी कोई बीच में आके जुड़ सकता है। फिर वैसे ही इधर से तो हम लोग तोड़े नहीं है तो इधर तो जुड़ा ही रहेगा, हमेशा इसको तोड़े हैं, तो जब इसको तोड़े हैं तो ये मेरा अलग अलग में ब्रेक होगा, देख पा रहे होंगे यहां तोड़े हैं, यानी कि इधर वाला सब जुड़ा ही रहेगा, हम सिर्फ ऐसे तोड़े हैं बीच में, ऐसे तोड़ दिए हैं इसको, दिख पा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि यहां पे कितना ऐसा एटम जो जुड़ सकता है, तो आप देखिए काउंट कीजिए यहां पे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, यानी कि यहां पे भी एक जुड़ सकता है, यहां पे भी एक जुड़ सकता है, क्योंकि यहां पे तो खाली है, तो यहां से दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह, और बाकी चारों तरफ इसमें भी देखे थे कि बारह, तो यहां पे क्रियाशील केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रियाशील केंद्र की संख्या 24 हो जाएगी इस सिचुएशन में। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम उसी ठोस अवस्था को चूर्ण कर दिए हैं तो क्रियाशील केंद्र का वैल्यू बढ़ गया है, इसी यही कारण है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है चूर्ण की अवस्था में, और यही कहलाता है क्रियाशील केंद्र। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लीजिएगा। अब आइए आगे आते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या है। अब लिखा जाए एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण, उसके नीचे एरो देंगे, एंजाइम उत्प्रेरण के नीचे लिखा जाए वह उत्प्रेरण जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है, वे एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है। एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है, उसके नीचे एरो देंगे, सेकेंड एरो लिखेंगे एंजाइम उत्प्रेरक के कई प्रकार हैं, एंजाइम उत्प्रेरक के कई प्रकार हैं, जिसमें कुछ निम्नांकित हैं। चलिए तो पहला उसके नीचे लिखेगा डायस्टेस एंजाइम, दूसरा माल्टेज एंजाइम,
तीसरा जाइमेस एंजाइम, चौथा यूरियस यूरियस एंजाइम यूरी एस सॉरी ये एस एंजाइम, पांचवा इनवर्टेस इनवर्टेस एंजाइम, छठा लैक्टोबैसिली एंजाइम लैक्टोबैसिली एंजाइम। चलिए अब हम लोग जरा एंजाइम उत्प्रेरक को समझते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्या किसको कहते हैं या फिर ये क्या होता है, जरा इस बात को समझिएगा। तो एंजाइम उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया जैसे मतलब बायोकेमिकल जैसे जीव जंतुओं में जैसे हम में जानवरों में यानी कि जो भी जीव जंतु हैं उसके अंदर होने वाली अभिक्रिया के रूप में जिस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है एंजाइम उत्प्रेरक, राइट। अब कुछ एंजाइम हैं जो हमारे अंदर के होने वाले अभिक्रिया जैसे कुछ टैबलेट खाते हैं कुछ हम लोग भोजन करते हैं तो पाचन की क्रिया में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को तेजी से बढ़ाने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। यानी कि एंजाइम क्या है, एक तरह का उत्प्रेरक है जो कहां पाया जाता है, जीव जंतुओं में बायोकेमिकल में जैव रसायन में यूज होता है। यानी कि बायोकेमिकल जैव रसायन में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक को एंजाइम उत्प्रेरक कहा जाता है। अब ये कितने रूपों में पाए जाते हैं तो ये टोटल 6 रूप में पाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत तरह का एंजाइम है लेकिन उसमें से कुछ जो है इंपोर्टेंट है जैसे डायस्टेस डायस्टेस, दूसरा माल्टेस जाइनेस यूरियस इनवर्टेस लैक्टोबैसिली। इस जितने भी एंजाइम है एक तरीके के उत्प्रेरक का काम करते हैं यानी कि उसके हमारे अंदर जो अभिक्रिया होती है उसके वेग को कंट्रोल करने का काम करती है। जरा आप बात करते हैं कि माल्टोस क्या करता है, तो जो हम लोग अंदर खाते हैं यानी कि जो भी चीजें खाते हैं भोजन के रूप में उसको शर्करा में परिवर्तित करता है कौन, माल्टेस। अगर हम लोग सॉरी डायस्टेस, अगर माल्टेस का बात करें तो ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। यानी सबका यूज है, अब क्या क्या यूज है जरा समझते हैं अलग अलग करके। यानी कि डायस्टेस एंजाइम क्या काम करता है, माल्टेस क्या काम करता है, जाइमेस का क्या काम है, यूरियस का क्या काम है, इनवर्टेस लैक्टोबैसिली का क्या क्या काम है, आइए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अब नंबर वन ये क्या बोल रहा है कि कोई भी स्टार्च है C2C6H10O5 हॉल एन, एन का मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं इससे मतलब नहीं है। हमको ये समझना है कि जो एंजाइम तरह तरह के होते हैं वो एक उत्प्रेरक होते हैं। जैसे उत्प्रेरक यहाँ पे उत्प्रेरक का नाम क्या है, डायस्टेस। डायस्टेस अगर उत्प्रेरक लिया जाए तो स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदलता है। यानी कि कोई भी हम लोग चीज खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है वो कन्वर्ट करता है कि कौन से एंजाइम के माध्यम से, डायस्टेस के माध्यम से, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बना हुआ होता है उत्प्रेरक। और वो सभी उत्प्रेरक एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं जिसका अलग अलग काम है। तो आप इन सारी अभिक्रियाओं को नोट कर लेंगे कि स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो डायस्टेस। अगला है माल्टोस शर्करा का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है C12H22O11। हालांकि ये चीनी है शर्करा है इसी का नाम है माल्टोस शर्करा क्योंकि H2O के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो ये माल्टोस शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन से एंजाइम के माध्यम से, माल्टेस के नाम से। यानी कि अगर आप स्टार्च खा रहे हैं, आप कोई भी मांड वाले यानी कि कोई भी चावल खा रहे हैं तो उससे तरह तरह की प्रोटीन्स तरह तरह की एंजाइम तरह तरह की प्रतिफल बनता है ताकि हमको हर तरह की विटामिन मिलता रहे। यानी कि ऐसा अंदर में हम लोगों को एंजाइम कार्यशील होता है जो एक ही चीज खाने पे उससे अलग अलग कई तरीके की हमें टूट कर उससे प्रतिफल मिलता है और सबका अलग अलग तरह का वर्क है। तो अगला है दूसरा के बाद यहाँ चौथा लिखा गया है, आप तीसरा समझिए। माल्टोस शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेस एंजाइम का उपयोग होता है। तीसरा है ग्लूकोज
को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेस एंजाइम का यूज होता है। तो ये तीसरा इसके बाद लिखिएगा, चौथा उसके बाद लिखिएगा, यानी कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, दूसरा के बाद डायरेक्ट चौथा लिख दिया है। तो तीसरा में ग्लूकोज है और ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग होता है, जाइमेस। फिर चौथा है यूरिया का जल अपघटन। देखिये यूरिया का फार्मूला याद रखिएगा NH2CO, क्योंकि ये पूछता है कि यूरिया का सूत्र क्या है, तो यूरिया का सूत्र NH2CO। अब ये जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तब इसका नाम होता है यूरिया का जल अपघटन। जो हमारे जब हम पानी वगैरह पीते हैं, खाना खाते हैं, तो जो टॉयलेट के माध्यम से जब मलमूत्र त्याग करते हैं उसमें यूरिया पाया जाता है, और वो यूरियस एंजाइम के माध्यम से एक अमोनिया गैस निकलता है, जो हमेशा जो टॉयलेट रूम में जो गंध आती है वो मलमूत्र की, वो अमोनिया की गैस होती है। क्यों? क्योंकि यही यूरिया को यूरियस एंजाइम कन्वर्ट करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा यूरिया का जल अपघटन से अमोनिया बनता है, इसमें कौन सा एंजाइम क्रिया कार्यशील होता है, तो यूरियस। तो चार तरह का हो गया और छह होता है टोटल, तो दो गो और देख चलिए। तो अब पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर में क्या है, शर्करा को अगर इन्वर्टेस एंजाइम के उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर हम लोग दूसरा नंबर में भी लिखे होंगे, माल्टेस का इस्तेमाल करके ग्लूकोज भी बना चुके हैं इससे, यानी कि देखिए यही शर्करा है, अगर यहां पर माल्टेस उत्प्रेरक यूज होगा तब हमें सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, याद रखिएगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर दूसरा वाले में भी तो यही सीखे कि यहां शर्करा था, यहां आप लिखे थे माल्टेस और यहां बना रहे थे ग्लूकोज। तो जी हाँ, हम लोग सब डिपेंड करते हैं कि वो उत्प्रेरक के तौर पे कि उत्प्रेरक क्या रखेगा तो कितना जल्दी अभिक्रिया बनेगा और किस किस फॉर्म में बनेगा। तो यहां देखिए अगर उत्प्रेरक इन्वर्टेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ग्लूकोज भी बनेगा और फ्रक्टोस भी बनेगा। अब आपको पता नहीं चलेगा कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोस नाम तो अलग अलग है लेकिन फार्मूला तो एक ही है। तो इसको समझने के लिए जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में एक चैप्टर है स्पेशल इसी के बारे में, जैव रसायन, उसका चैप्टर का नाम है, उसमें हम लोग सब सीखेंगे कि एक चीनी एक ही चीनी है लेकिन उसके कई तरह के फार्मूले हो जाते हैं, फार्मूला भी सेम लेकिन नाम अलग अलग होता है। तो आप कंट्रोल कीजिए, इस बात को हम लोग वहां चैप्टर में सीखेंगे। हालांकि आपको ये याद रखना होगा कि यही शर्करा को अगर माल्टेस एंजाइम देंगे तो सिर्फ ग्लूकोज बनेगा, लेकिन यही शर्करा जब इन्वर्टेस एंजाइम देंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे कौन सा कार्यशील किसका मेन काम है, तो यहाँ उत्प्रेरक इन्वर्टेस का। अब अगला है लैक्टोबैसिली। जी हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा कि लैक्टोबैसिली भी एक एंजाइम है, आप इसको लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं, जो काम करता है दूध को दही में परिवर्तित करने का। ठीक है, दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए एक जीवाणु यूज होता है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस एक तरह का एंजाइम है। जी हाँ, आप सही सुन रहे, एंजाइम भी एक तरह का जीवाणु है, उसमें भी जीव है जो एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम का यूज होता है, लैक्टोबैसिली एंजाइम। तो अब आज हम लोग पढ़ रहे थे कि इस उत्प्रेरक में एंजाइम का क्या महत्व है, उत्प्रेरक में एंजाइम का क्या महत्व है, इसका मतलब कि एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में पढ़े कि एंजाइम उत्प्रेरक कहां कहां किसको कहते हैं, वो किसके लिए कार्यशील है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या कंडीशन है, उसके उसमें क्या गुण पाया जाता है, तो इसका डिस्कस हम अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, धन्यवाद।